हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे लीवर की समस्या, डाइजेशन समस्या, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ओबेसिटी, थायराइड और यूरिक एसिड आदि समस्या। इन सभी समस्याओं को सामूहिक रूप से मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह सकते हैं। अतः आज के इस वीडियो में हम इसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की संक्षिप्त जानकारी के साथ आयुर्वेद समाधान की बात करेंगे कि किस प्रकार से इससे पीड़ित व्यक्ति शरीर का संशोधन करते हुए इन बीमारियों से निजात पा सकता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, निम्न में से पांच कंडीशंस में अगर तीन कंडीशन भी आपके साथ है तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड शुगर, फास्टिंग हाई ब्लड शुगर, फास्टिंग सीरम ट्राइग्लिसराइड VLDL और लो फास्टिंग HDL। एसोसिएटेड कंडीशंस में सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना, फैटी लीवर, रसौली, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़ आते हैं। कारण, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, अतः इसका अभी तक ठीक कारण ज्ञात नहीं है। यह एक शोध का विषय है। जो कुछ जानकारियां अभी तक उपलब्ध है उन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मुख्य कारणों में ज़्यादातर समस्याएं आहार और विहारजन्य है। कुछ समस्याएं अवस्थाजन्य हैं, कुछ अनुवांशिक हैं, कुछ मानसिक हैं। आहार और विहारजन्य में पुअर डाइटरी हैबिट, जैसे ओवर डाइट, फास्ट फूड, हाई कैलोरिक डाइट, विहारजन्य यानी पुअर लाइफ स्टाइल, जैसे कम व्यायाम करना या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हैं। या अत्यधिक जो लोग मद्यपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनमें ये बीमारियाँ होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। आयुर्वेदिक सुझाव, आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पहला होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, यानी संशोधन प्रक्रिया। संशोधन के बाद उपापचय क्रिया को ठीक करना या रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर ले जाते हैं, संशोधन बॉडी करके रेगुलेट कर ले जाते हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ने लगती है। इस तरह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना तीसरी प्रक्रिया हो जाती है। इसके लिए मैंने एक स्वानुभूत अष्टांग योग, अष्टामृत योग का कल्पना की है, अष्टामृत योग की कल्पना की है, जो शरीर के संशोधन के साथ साथ शरीर की आंतरिक क्रियाविधि अर्थात उपापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म की क्रिया ठीक करने के फलस्वरूप शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाने में सहायक है। यह अष्टामृत योग शरीर पर किस तरह कार्य करता है, इसका सिस्टमिक एक्शन, इम्प्रूव लीवर फंक्शन, यह लीवर के क्रियाविधि को सुचारू रूप से ठीक करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को सुधार कर बाइल सिक्रीशंस को ठीक करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, कार्डियक एक्टिविटी को ठीक करता है, जो चर्बी या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था जो होता है, जो हृदयघात आदि का कारण होता है उसको ठीक करता है, इम्प्रूव रीनल फंक्शन, गुर्दे की क्रियाविधि को ठीक कर यूरिया क्रिएटिनिन को नॉर्मल करता है और GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ठीक करता है। इस तरह बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि सारे मेटाबॉलिज्म ठीक होने के बाद इम्यूनिटी अपने आप ही बूस्टअप करने लगती है। आइए इन औषधियों को देखें। नंबर एक पर है अमृता या गिलोटिनोस्फोरा कार्डिफोलिया। यह औषधि एलर्जी में, डायबिटीज़ में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, स्टमक अपसेट, पेप्टिक अल्सर, गाउट यानी वात रक्त में जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्रोनिक फीवर में काफ़ी लाभकारी है, हेपेटाइटिस, गोनोरिया और सिफिलिस में भी लाभकारी है और साथ ही साथ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
दूसरे नंबर की औषधि है तिक्ता कटुका पिक्रोराइजा कुरोवा। यह हिपेटो प्रोटेक्टिव है, बाइल परगेशन कराता है लीवर सिरोसिस में, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर में, हिपेटाइटिस सी में, और एंटी अस्थमेटिक एक्शन भी करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काफ़ी कारगर है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटीज़ भी है। तीसरे नंबर की औषधि है एजा डायरेक्टा इंडिका नीम। यह क्रीमिहर है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल, स्किन डिसऑर्डर्स एक्जिमा सोरियासिस आदि में कारगर है, एंटी डायबिटिक कंट्रासेप्टिव और सीडेटिव एक्शन भी इसमें पाया जाता है। चौथे नंबर की औषधि है चिरायता यानी स्वेरटिया चिरायता। यह लीवर डिसऑर्डर में एंटीवायरल जैसे हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, एंटी मलेरियल, एंटी हेलमेंथिक, एंटी डायबिटिक और क्रोनिक फीवर में काफ़ी लाभकारी औषधि है, जिसका प्राचीन काल से प्रयोग करते आए हैं लोग और काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। पांचवें नंबर की औषधि है अड़ूसा या वासा एथाटोडा बेसाइका। यह एंटी ट्यूसिव है, शोर थ्रोट में एक्सपेक्टोरेंट यानी म्यूकोकाइनेटिक एंड म्यूकोलाइटिक एक्शन दोनों करता है, ब्रांकोडाइलेटर है, श्वसन नलिकाओं को फैलाता है, एंटी हेमरेजिक एक्शन है, अगर शरीर में कहीं अंदर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रोकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है जो कि एयरवेज को के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। पुनर्नवा बोहरेविया डिफ्यूजा या कार्डियक रीनल और लीवर डिसऑर्डर में काफ़ी उपयोगी है, एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करता है, शरीर में सूजन यानी एडिमा को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है और रिमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आम बात में भी यह काफ़ी लाभकारी है। सातवें नंबर की औषधि है गोखरू यानी गोच्छू ट्रिबुलस टेरिस्टिस। यह एंजाइना पेक्टोरिस में एडिमा यानी सूजन में काफ़ी कारगर है, डायूरेटिक्स फंक्शन है इसका, लिथोट्रिप्टिक फंक्शन है, पेशाब कराता है, पथरी तोड़ता है, बीपीएच यानी प्रोस्टेट बढ़े हुए प्रोस्टेट में लाभकारी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजेकुलेशन, मेनोपॉजल सिंड्रोम और पीसीओएस में भी यह औषधि बहुत ही गुणकारी है। आठवें नंबर की औषधि है शुभांजन या सहजन मोरिंगा ओलिफेरा। यह एंटी हाइपरटेंसिव है, कार्डियक एंड सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट है, एंटी डायबिटिक है, एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एपिलेप्टिक है, एंटी स्पाज्मोटिक है जो पेट दर्द में लाभकारी है, एंटी अल्सर है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंटी वायरल एक्शन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में काफ़ी सहयोग करता है। मेथड ऑफ सेवन मेथड ऑफ यूजेस सेवन की जो विधि है दो तरह से, काढ़ा बनाकर और चूर्ण या पाउडर बनाकर। काढ़ा बनाने के लिए मोटा चूर्ण कर लें, दो गिलास पानी में दो चम्मच डालकर धीमी आग पर उबालें, उबलते उबलते चौथाई रह जाए तो या आधा गिलास रह जाने पर छान लें और गुनगुना होने पर पी लें। यदि आप डायबिटिक नहीं हो तो गुड़ मिला सकते हैं और पाउडर या चूर्ण को एक चम्मच सुबह शाम